I amuse you. Forgive me. It's an odd thought. A Roman consul with a Egyptian wife. दुनिया की सबसे सेक्सी, खूबसूरत, हसीन और क्रूर रानी पहले पुरुषों से बनाती थी शारीरिक संबंध और फिर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिस्र की उस रानी की जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्र के इतिहास की सबसे खूबसूरत और सेक्सी रानी क्लियोपेट्रा की। इस रानी के बारे में जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थी उससे कई ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से शारीरिक संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। सुंदरता के लिए गधी का दूध। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही हुई खोज में यह बात साबित हुई है। खौफनाक बात यह है कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। रोम की तीन ताकतें। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे तीन ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, ऑक्टेवियन, जूलियस सीजर और मार्क एंथनी। इनमें से जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर औरत माना जाता है। अनगिनत शिल्पी कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के नए नक्श, रंग रूप और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां बनाई। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में तीन नाटककारों, शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को पेश किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। पांच भाषाओं की ज्ञाता। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को पांच भाषाएं आती थी और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से शारीरिक संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। जब क्लियोपेट्रा 17 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक बात जब प्रसिद्ध है कि जब जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा को देखा तो वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर दीवाना हो गया था। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए राजी हो गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि वे रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल मानी जाती थी। उससे एक पुत्र भी हुआ किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो गया था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथनी से उनके तीन बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा का पलायन।
क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथनी को उसने बहला फुसला कर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा की मौत एक रहस्य। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंख वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है? क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथनी को धोखा नहीं दिया, उसने एंथनी के सामने ही सर्प से डंख लगवाकर आत्महत्या कर ली थी। जब एंथनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र के विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेमलाक सफेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा आ रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। सर्प विशेषज्ञों का कहना है क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय भी खूबसूरत बनी रहना चाहती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी। हालांकि हॉलीवुड में अब फिर से क्लियोपेट्रा के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, साथ ही शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम इस तरह की वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ सके। और हाँ, बेल आइकन दबाने से हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।